स्टूडेंट्स, आई एम योर ऑनलाइन क्लास टीचर ऑन बिहाफ ऑफ आरबी स्टार अकेडमी एंड यूनिक स्टार अकेडमी फॉर क्लास थर्ड सब्जेक्ट कम्युनिकेटिंग इंग्लिश. नाउ ओपन योर बुक्स एंड कम ऑन पेज नंबर आठ नंबर पेज पे आइए. वी हैव कंप्लीटेड अवर ए पार्ट एंड बी पार्ट. हमने जो है अपना ए पार्ट क्वेश्चन आंसर वाला और बी पार्ट जो है ट्रू और फॉल्स वाला कर लिया था जिसको. ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग जो है गिव राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग. यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स बोला गया है. राइमिंग वर्ड्स मतलब जिसकी आवाज़ जो है मिलती जुलती निकलती है. जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला क्या दिया हुआ है. यहाँ पे दिया हुआ गिव. गिव का मतलब होता है देना. अब इसका राइमिंग वर्ड्स क्या हो जाएगा? लिव हो जाएगा. LIVE लिव. लिव का मतलब क्या होता है? जीना या जीवित रहना. ठीक है, यहाँ पे गिव है, यहाँ पे लिव हो जाएगा. दूसरा देखिए यहाँ पे क्या दिया है, HARE हेयर. हेयर का मतलब क्या होता है? खरगोश या खरहा होता है ना, उसी को बोलते हैं. यहाँ पे खरा हो गया. और यहाँ पे दूसरा इसका राइमिंग वर्ड्स क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे हो जाएगा लेयर, LAIR लेयर. ठीक है, क्या हो जाएगा? लेयर हो जाएगा. ये जहाँ पे वो लोग रहते हैं, उनके जो घर होते हैं, बिल होते हैं, उसी को बोलते हैं लेयर. ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं. हाई. हाई का मतलब क्या होता है? ऊंचाई या ऊंचा. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आगे? यहाँ पे स्काई हो जाएगा. हाई और स्काई देखिए मिलने में आवाज़ दोनों सेम लग रही है बोलने में, इसी को बोलते हैं राइमिंग वर्ड. तो यहाँ पे SKY स्काई. स्काई मीन्स आसमान या आकाश. चलिए यहाँ पे चौथा देखते हैं. रॉन्ग दिया हुआ. रॉन्ग का मतलब क्या होता है? गलत. तो ये रॉन्ग का जो है राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? रॉन्ग का हो जाएगा यहाँ पे आगे सॉन्ग, SONG सॉन्ग. देखिए बोलिए आपको सेम लगता होगा, रॉन्ग सॉन्ग, रॉन्ग सॉन्ग. ये दोनों राइमिंग वर्ड हो गए. जब जिसको बोलने में सेम आवाज़ आती है उसको रॉन्ग और सॉन्ग जैसे यहाँ पे उसको राइमिंग वर्ड बोलते हैं. तो रॉन्ग का मतलब होता है गलत और यहाँ पे सॉन्ग का मतलब क्या होता है? संगीत. चलिए हमारा जो है ये पार्ट भी हो गया. अभी हम इट्स फन टाइम भी हम जो है थोड़ा और इन्जॉयमेंट करके पढ़ाई करते हैं. चलिए थिंक एंड डिस्कस. क्या बोल रहे हैं? सोचो और आपस में जो है बहस करो क्या है, क्या सही है, क्या गलत है. देखिए यहाँ पे व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. अपने घर में जो है सब आपके घर वाले जो होंगे वहाँ पे जैसे भाई हो गए, बहन हो गई, मम्मी पापा हो गए, दादा दादी हो गए या फिर नाना नानी हो गए, जो भी होंगे आपके वहाँ पे, उनके साथ बैठ करके आप लोग बहस करिए कि जो है जानवर और इंसानों में जो है दोनों में फ़र्क क्या होता है. जैसे कि हम लोग इंसान जो हैं दो पैरों पे चलते हैं और जानवर जो हैं चारों पैर से चलते हैं. हम इंसान जो हैं आपस में बात कर सकते हैं और हम एक दूसरे की भाषा समझते भी हैं, मगर जानवर भी आपस में बात करते हैं, वो लोग आपस में, मगर हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते हैं. ठीक है, यही सारी जो भी बातें रहती हैं सिमिलैरिटी रहती है जो उसमें मिलते जुलते हैं, ये सारी चीज़ें जो उनसे बात करी. जैसे हमारे जो है बोलने के लिए मुँह रहता है एक, तो जानवरों के पास भी एक मुँह रहता है. हमारे पास दो आँख रहती हैं, जानवर के पास भी दो आँख रहती हैं. हमारे पास दो कान रहते हैं सुनने के लिए, जानवरों के पास भी दो कान रहते हैं. इसी तरह से जो है आप लोग आपस में घर में डिस्कस करिए कि जानवरों में क्या होता है और आप में क्या नहीं होता, और आप में ऐसी क्या चीज़ होती है जो जानवरों में नहीं होती. ये सारी चीज़ें जो है समझ लीजिए और डिस्कस करिए अपने घर पर बैठ करके. ठीक है, चलिए हम जो अपना अगला पार्ट करते हैं, बी वाला. देखिए वाई शुड वी ट्रीट एनिमल्स एंड बर्ड्स विथ लव एंड केयर. क्या बोल रहे हैं? हमें जानवरों से, जीव जंतुओं से, चिड़ियों से क्यों प्यार और उस प्यार और खुशी से क्यों उन्हें मतलब ट्रीट करना चाहिए, यानी उन्हें जो है हमें क्यों उन्हें प्यार करना चाहिए जानवरों और जीव जंतुओं को, ऐसा पूछ रहा है, या उनकी देखभाल हमें क्यों करना चाहिए. अभी अभी बताते हैं क्यों करना चाहिए. से विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वी शुड एंड विच वी शुड नॉट. क्या कह रहे हैं? वी शुड डू एंड विच वी शुड नॉट डू. क्या बोल रहे हैं? ये नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शन में, इसमें से देखिए और बताइए इसमें से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है, जो करना चाहिए उसके आगे यस लिखना है, जो नहीं करना चाहिए उसके आगे नो लिखना है, ये तीनों में से. चलिए पहले देखते हैं हम लोग. वी शुड ट्रीट देम विथ लव एंड अफेक्शन. क्या बोल रहे हैं? हमें जो है जानवरों के साथ, जीव जंतुओं के साथ, पंछियों के साथ, हाँ, कि क्या करना चाहिए? हमें उन्हें प्यार से पालना चाहिए, उन्हें प्यार से मतलब उन्हें प्यार करना चाहिए, या फिर उन्हें उनकी देखभाल करना चाहिए, उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए. ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए जानवरों के साथ. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका हो जाएगा यस. हमें ऐसा ही करना है, ऐसा ही है. यहाँ पे यस कर दिए, YES यस कर दीजिए. ये हमें ऐसा ही करना है जानवरों और जीव जंतुओं के साथ. चलिए दूसरा, वी शुड ऑलवेज टीज देम. क्या बोल रहे हैं? वी शुड ऑलवेज टीज देम. इसका मतलब क्या होता है? हमें उन्हें जो है हमेशा तकलीफ देना चाहिए, उन्हें जो है हमें उन्हें दर्द देना चाहिए, उन्हें हमें मारना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं. जीव जंतुओं के साथ हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम फीलिंग्स रखते हैं, हमारे अंदर जीव जान होती है, जीवित होते हैं हम, उसी तरह से जो है जानवरों के अंदर भी, पंछियों के अंदर भी जो है जान होती है, वो भी दर्द और खुशी महसूस करते हैं. तो हमें उन्हें कभी भी तकलीफ़ नहीं देना चाहिए. इसमें क्या बोल रहा है? हमें जानवरों और चिड़ियों और जीव जंतुओं को तकलीफ देना चाहिए, ऐसा इसमें बोला गया है. तो ये नहीं, यहाँ पे ये नो कर दीजिए, ये गलत बात है. यहाँ पे नो कर दीजिए, NO. चलिए तीसरा,
वी शुड नेवर थ्रो स्टोन एट देम, क्या बोल रहे हैं, हमें जीव जंतुओं जानवरों और चिड़ियों पंछियों ये सब पे जो है कभी भी पत्थर या कोई भी तकलीफ देने वाली चीज़ नहीं फेंकना चाहिए। ये बात भी सही है, ठीक है, हमें कभी उन्हें तकलीफ नहीं देनी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस, YES, यस, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है पहला चैप्टर जो है अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है अब हम अगले वीडियो में जो है अपना अगला पार्ट लेंगे, अगला चैप्टर लेंगे। क्या हो जाएगा उसका अगला चैप्टर, देखिए सेकंड वाला चैप्टर क्या है, द गोल्ड फिंच, ठीक है। इसको जो है हम अगले अपने अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।